चिड़िया मैदान पर रहने वाली महिलाएं और स्थानीय रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। रेलवे द्वारा यहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। बुधवार को कार्रवाई करते हुए रेलवे का अमला मकानों को तोड़ने पहुंचा था। यहां के रहवासियों का कहना है कि हमारे पास इतनी जल्दी व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और ऐसे ठंड के मौसम में हमने मकान खाली कर दिया तो हम कहां जाएंगे। 125 परिवार है, लगभग 125 से 150 के बीच परिवार है। रेलवे ने इनको नोटिस दिए हैं कि मकान खाली करें। ये सब रहवासी गरीब तबके के हैं, कई बर्तन मांजते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि ये 15 दिन के अंदर कहीं जाके मकान ले जाए। आपको वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ऐसी मिले कि हम इतनी भरी ठंड में बच्चों को लेकर सर छुपाने की छत मिल जाए। मकान दिलाने की हमें बात हो रही है कि 15 दिन का समय दिया, लेकिन आज आर्थिक स्थिति हमारी इनकी ऐसी नहीं है कि तावड़ तो भी 20,000 रुपये या 25,000 रुपये दे के मकान ले गए। तो हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ये सब गरीबों की तरफ अपना ध्यान देकर कुछ ऐसी व्यवस्था कराएं या रेलवे से हमें कुछ उसके समय दिलाएं कि जिस बीच में भाई किराए का मकान ढूंढ सके, कुछ आर्थिक रूप से व्यवस्था कर सकें कि जिससे हम हमारे रहने की व्यवस्था हो पाए। बस यही आपसे ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी मकान खरीद ले, किराए से ले ले, तो कम से कम हमें रेलवे से 6 महीने का समय दिला दिया गया, तो 6 महीने बाद हम सब खुद अपने अपने मकान बना रहे। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सबके मालिक हमारे घर रेलवे वाले तोड़ने को बोल रहे हैं। तो अभी मेरे पति को हस्बैंड को कोरोना हुआ और स्कूल चालू नहीं हुआ, स्कूल के बच्चे छोड़ते, तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। तो हम इतने जल्दी कहाँ से छोड़ेंगे 15 दिन में घर? हाँ, जब हमारी अच्छी सुविधा होगी तब छोड़ेंगे। 6 महीने का वक्त तो दिया जाए हमको। हम गरीब लोग हैं, कोई करोड़पति थोड़ी ना है कि घर फट से खाली कर देंगे। गरीब बस्ती है पूरी। और मेरे हस्बैंड स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं, यानी अब साल भर तो गया उनका खराब, फिर हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कितने परिवार है जिसको नोटिस मिला है? हमारे 125 परिवार है जिनको नोटिस मिला, और सब गरीब है। कोई बर्तन मांजता है, कोई कपड़े धोता है, झाड़ू लगाते हैं, सब गरीब है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे खुद छोटे बच्चे दो। आपका नाम बताइए? मेरा नाम प्रीति दीपक कैतवास। खबरों को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।